बड़ी खबर दिल्ली से, जहां झारखंड के जुड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी संगठन की ओर से अन्नपूर्णा देवी राजस्थान चुनाव में जिम्मेदारी और अन्नपूर्णा देवी करेंगी 3 दिनों तक राजस्थान में प्रवास। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की को रीवा संभाग की जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश को मिली शहडोल संभाग की जिम्मेदारी। विधायक अनंत ओझा को मिली छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी। झारखंड के संगठन महामंत्री करमवीर को मिली बस्तर संभाग की जिम्मेदारी। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिल गई। झारखंड के संगठन महामंत्री करमवीर को बसंत संभाग की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड के जुड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी मिली है। भी करेंगी 3 दिनों तक राजस्थान में प्रचार और झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को रीवा संभाग की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश को मिली शहडोल संभाग की जिम्मेदारी। विधायक अनंत ओझा को मिली छत्तीसगढ़ में सरगुजा और सीधे रुक कर लेंगे अपने सहयोगी भावना का, जो हमारे साथ बनी हुई है। जी भावना, झारखंड के से जुड़े जो नेताओं को विधानसभा में चुनाव में जिम्मेदारी मिल गई है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो है वो जिम्मेदारी मिली है। जी भावना, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, झारखंड से आती हैं, सांसद भी है, उन्हीं के आवास के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूं। और फिलहाल अन्नपूर्णा देवी क्योंकि इस वक्त झारखंड पहुंची हुई है डुमरी इलेक्शन को लेकर, तो उन्हें जो है इससे पहले एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से मिल चुकी है। अन्नपूर्णा देवी को राजस्थान का दौरा करना है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी इस बार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चुनाव होने, और चुनाव से पहले ये एक बड़ी तैयारी होगी जिसके लिए अन्नपूर्णा देवी पर संगठन की तरफ से एक भरोसा जताया गया है। उनका राजस्थान में 3 दिन का दौरा होने वाला है और 22 सितंबर से पहले ये 3 दिन का दौरा होगा। संगठन की कोशिश हमेशा यही रहती है कि चाहे बूथ की बात हो, जिले की बात हो, मंडल की बात हो, हर तरीके से पार्टी को मजबूती मिल सके। और इसी मजबूती को बनाए रखने के लिए झारखंड की जो सांसद है कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 3 दिवसीय दौरा जो है उनका राजस्थान में रहने वाला है। 22 सितंबर से पहले ये दौरा होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि जो अन्नपूर्णा देवी है वो इस वक्त झारखंड में है, डुमरी इलेक्शन को लेकर वो पहुंची हुई है प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन इसके बाद उनका जो अगला दौरा होगा झारखंड के बाद, वो राजस्थान का बताया जा रहा है, जहां पर वो 3 दिन तक प्रचार प्रसार करेंगी, सीधे तौर से जनता से जुड़ेगी, ग्राउंड पर काम करेंगी, मुख्य वक्ता के तौर पर लोगों को पार्टी से जुड़ी योजनाएं भी बताने वाली। और इसी के साथ आपको बता दूं कि झारखंड से और भी कई बड़े नेताओं को कई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें लक्ष्मीकांत जी का भी नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है क्योंकि वह झारखंड के प्रभारी भी है। ऐसे में उनको रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जहां एक तरफ राजस्थान की जिम्मेदारी का जो भरोसा है वो अन्नपूर्णा देवी पर जताया गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इस मामले पर भी जो भरोसा है वो अन्नपूर्णा देवी पर जताया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रीवा संभाग की जिम्मेदारी जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मिली है, जो कि झारखंड के प्रभारी भी है और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, इसी के साथ जो अगली जिम्मेदारी है झारखंड के संगठन महामंत्री
मंत्री को दी गई है, करमवीर जी को। उनको बस्तर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है जिसपे वो ग्राउंड पर काम करने वाले हैं। इसी के साथ विधायक अनंत ओझा को भी जिम्मेदारी मिली है सरगुजा की, सरगुजा संभाग की। और फिर अगर हम बात करते हैं दीपक प्रकाश की, जो कि झारखंड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद भी है और नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड का, ऐसे में उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि अन्नपूर्णा देवी को राजस्थान की जिम्मेदारी है और इसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को रीवा संभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं अनंत ओझा को जो है जिम्मेदारी दी गई है सरगुजा संभाग की, तो वहीं करमवीर जी जो कि संगठन महामंत्री है उनको जो है बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ दीपक प्रकाश पर भरोसा जताया गया है शहडोल संभाग को लेकर, यानी कि ये तमाम जगह जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से जुड़ी है, उनकी जिम्मेदारी जो है झारखंड के बड़े बड़े लीडर्स को दी गई है और ये भरोसा जताया गया है कि इन लीडर्स के नेतृत्व में जो है बूथ, जिला, मंडल, गांव, कस्बा, नुक्कड़ और यहां तक कि ग्राउंड पर काम होगा। जब ये नेता पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो पार्टी को सीधे तौर पर इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है। ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो बड़े बड़े लीडर है उन पर दांव लगाया जाए। और खासकर मैं आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा देवी पर क्यों भरोसा जताया गया है, क्योंकि यादव फैक्टर यहां पर काम आने वाला है। यादव फैक्टर किस तरीके से, क्योंकि जब भी अन्नपूर्णा देवी का जिक्र आता है कहते हैं कि जहां भी अन्नपूर्णा देवी पहुंचती है वहां पर यादव फैक्टर काम आता है, क्योंकि बड़ी संख्या राजस्थान में अगर देखे तो यादवों की भी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में अगर देखे तो यादवों की संख्या बड़ी मानी जाती है। यानी कि जब यूपी में चुनाव था तब भी अन्नपूर्णा देवी को भेजा गया था और ऐसे में अब राजस्थान में चुनाव है, वो भी विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा से पहले, तीन राज्यों में ये बड़े चुनाव ये दर्शा रहे हैं कि झारखंड के नेताओं पर संगठन का एक मजबूत भरोसा है। 24 के चुनावों से पहले एक मजबूत भरोसा जो है इन नेताओं पर जताया गया है। एक तरीके से जो इन नेताओं का दौरा है ये 24 के चुनावों के मायने में भी अहम है, लेकिन विधानसभा के चुनावों के लिए ही ज़्यादा अहम माना जा रहा है। यही कारण है कि राजस्थान का दौरा 22 सितंबर से पहले पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी करने वाली है। और वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है भाजपा में, वर्तमान में झारखंड के प्रभारी है, उनको रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कहते हैं कि रीवा का जब जिक्र आता है तो रीवा राजशाही इलाका माना जाता है जहां पर राज परिवार की चलती है, लेकिन ऐसे में उस तंत्र को तोड़ते हुए भाजपा भी काम करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि 9 साल की योजनाओं को लेकर ये तमाम सांसद जो है इन क्षेत्रों में निकल रहे हैं और पार्टी के जो भी किए हुए काम है उनको बता रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भाजपा अपनी रणनीति, अपनी दिशा और साथ ही साथ नीतियों पर मजबूत तरीके से काम कर रही है। जी 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 भावना, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।